हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। आज मैं आप लोगों को देखिए एक ये सिंगल कलर का पैटर्न बताने वाली हूँ। ये इस पैटर्न की राइट साइड है और ये इस पैटर्न की बैक साइड। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। इसे हम लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और जेंट्स स्वेटर पे भी डाल सकते हैं, और इसे बेबी फ्रॉक पे भी डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। ये जो पैटर्न है राइट साइड से शुरू होगा और इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे वो 8 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। और ये जो पैटर्न है 16 रो में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली तो ये 4 सिलाइयों का ही पैटर्न है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सिलाइयाँ बनती हैं। फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न बस हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है और ये वाला यहाँ पे। तो 8 सिलाइयाँ यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये 8 सिलाई यहाँ तक। तो अब हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए ये देखिए मैंने फंदे डाल लिए हैं। इसके फंदे मैंने डाले हैं 28 + 8 + 4। और ये जो पैटर्न है अब हम शुरू करते हैं। तो बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी। पहले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, पहले दो फंदे उल्टे, 1 2, और इस तरह से धागे को फोल्ड करेंगे और 2 का 1 कर देंगे आगे से। एक फंदा बढ़ गया, 1 कम हो गया। फिर से धागा फोल्ड करेंगे और 2 का 1 आगे से, फिर से धागा फोल्ड और 2 का 1, फिर से 1 धागा फोल्ड और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ हमारे 4 फंदे बढ़ गए और 4 फंदे ही हमारे कम हो गए। और नेक्स्ट 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा अपनी तरफ, लास्ट के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, बैक साइड सेकेंड रो पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, अब हमारी पैटर्न की थर्ड रो फ्रंट साइड, इन 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब हमने पहली सिलाई में 2 फंदों के बाद जाली डाली थी, अब हम 1 फंदा पहले सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से 1 जाली डाली, 2 का 1 कर दिया, और फिर से जाली डाली और 2 का 1 कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे 4 फंदे बढ़ गए और 4 फंदे कम हो गए। तो अब नेक्स्ट 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा अपनी तरफ, लास्ट फंदा उल्टा, धागा पीछे, बैक साइड से सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे,
पैटर्न की फिफ्थ रो फ्रंट साइड पहले दो फंदे उल्टे, एक दो। अब हम फिर से इस तरह से पहली रो की तरह ही बनेगी जैसे हमारी फर्स्ट रो बनी थी, जाली डालेंगे और दो का एक कर देंगे आगे से, फिर से जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे आगे से, फिर से जाली डालेंगे और दो का एक, और फिर से एक जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। अब आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और लास्ट के दो फंदे उल्टे। सिक्स्थ रो पूरी उल्टी बनाएंगे, सेवन्थ रो फ्रंट साइड सेम वैसी ही बनानी है जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर जाली डाल के दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, फिर से एक जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा, फिर से जाली और दो फंदों का एक फंदा, और फिर से जाली और दो फंदों का एक फंदा, और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे सीधे, लास्ट का एज वाला फंदा। पैटर्न की सेकेंड रो बैक साइड पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, अब ये एट रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इस पैटर्न को यहाँ पे शिफ्ट करना है नाइन्थ रो में, तो यहाँ पे देखिए पहले दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे सीधे। अब यहाँ पे हम जाली शुरू से नहीं डालेंगे, पहले एक फंदा सीधा बना के फिर दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर से एक जाली डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे, और फिर से एक जाली और दो फंदों का एक फंदा, और लास्ट हमारा एज वाला फंदा। धागा पीछे और फिर से बैक साइड से वैसे ही हमें पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। अब पैटर्न की 11th रो फ्रंट साइड पहले हमें दो फंदे उल्टे बनाने हैं। यहाँ पे हमने दो फंदे उल्टे इसलिए बनाए हैं
जिस भी पैटर्न में जाली होती है तो शुरू में दो फंदे उल्टे रख लें, नहीं तो ये तिरछा जाता है पैटर्न। आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब पहले हमने यहाँ पे जाली इधर डाली थी, अब यहाँ पे आठ फंदों के बाद जाली और दो फंदों का एक फंदा, फिर से एक जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से जाली दो फंदों का एक फंदा और फिर से जाली और दो फंदों का एक फंदा और लास्ट में हमारे पास दो फंदे उल्टे। ट्वेल्थ रो बैक साइड पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। थर्टींथ रो फ्रंट साइड दो फंदे उल्टे और आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। और अब यहाँ से एक फंदा सीधा डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे दो का एक, आगे से फिर से जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे, आगे से फिर से जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा, फिर से एक जाली और दो फंदों का एक फंदा आगे से और लास्ट एज वाला फंदा। 14th रो बैक साइड पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। फिफ्टींथ रो फ्रंट साइड पहले दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से फ्रंट से, फिर से जाली डालेंगे दो फंदों का एक फंदा फ्रंट से, एक फिर से जाली और दो फंदों का एक फंदा और फिर से एक जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। पैटर्न की 16th रो बैक साइड पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। 16 सिलाइयाँ पूरी होने के बाद ये हमारा पैटर्न इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे।
और उसके बाद कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ।